बच्चों, मैं एससी गुप्ता मैथ सफारी से, जो हमारी रेंज और डोमेन निकालने की सीरीज चल रही है, उसमें आज मॉडुलस फंक्शन के ही एक क्वेश्चन स्पेशल टेक्निक से कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस है मॉडुलस फंक्शन में, नंबर ऑफ फंक्शन है, लेकिन प्लस से जुड़े हुए हैं, प्लस से, माइनस से नहीं, प्लस से ही होने चाहिए, जुड़े हुए हैं, इसकी रेंज निकालना। और डोमेन तो हर आदमी बता देगा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी। खैर, रेंज की फंक्शन, तो रेंज के लिए मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले जो डाटा है, राइट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर, एक ही बात है, मिडिल टर्म निकालनी है मुझे। फिर फाइंड द मिडिल टर्म, अगर ओड नंबर हैं तो एन प्लस वन बाई टू, और इवन हैं तो दो मिडिल टर्म आएंगे, याद रखिएगा, इवन है तो दो, मैं अभी सवाल कराऊंगा, दो आएंगे। खैर, मिडिल टर्म निकाल लिया आपने ओड का, यहाँ ओड का केस है। पुट द मिडिल टर्म इज इक्वल टू जीरो, और एक्स की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू आई उसे हम एम कहेंगे, एम, अलग अलग वैल्यू आएगी, कभी एक आएगी, कभी दो आएगी, माइनस हाफ आएगी, प्लस हाफ आएगी, मैं उसे एम कहूँगा। तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी एफ एम, यानी फंक्शन में जो वैल्यू निकाली उसे रख दीजिए इसमें से इनफाइनाइट, पॉजिटिव इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, ये रेंज हुई। तो समझ में आया, देखिए, तो पहला काम क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। भाई तो ये तो बना हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं है, अच्छा, वन थ्री टू, तो ये हो जाएगा एफ एक्स, ऑर्डर में लगा रहा हूँ भाई मैं, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस दो, बढ़ते हुए क्रम में मैंने लगा लिया, प्लस एक्स माइनस थ्री लगा लिया, क्यों भाई, ये एक्स की वैल्यू वन आई, एक्स की वैल्यू दो आई, एक्स की वैल्यू थ्री आई, तो बढ़ते हुए क्रम में हो गया। चलिए अब मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म तो ठीक है भाई, तीन है तो मिडिल टर्म तो यही होगी, होगी, इसको पुट द जीरो, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या आया, दो, ये जो दो है ये मेरा एम कहलाएगा, ये लिखा है मैंने, ठीक है। अब आप एफ एम की वैल्यू निकाल लीजिए, एफ एम क्या है आपका, टू, तो लिख लीजिए एफ टू की वैल्यू निकाल लीजिए, निकालिए सब एफ टू की वैल्यू इसमें, तो देखिए टू माइनस वन वन, प्लस टू माइनस टू जीरो, प्लस टू माइनस थ्री माइनस वन, चूँकि मॉडुलस है तो ये वन आएगा, ये जीरो हो गया, ये भी वन आएगा, तो वैल्यू आई दो, आई फंक्शन की वैल्यू एम पर क्या आई, दो, तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी दो से इनफाइनाइट, वाई बिलोंग टू, आप कहेंगे साहब ये क्या था, आपने दो ले लिया, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू दो आएगी, क्योंकि ये सवाल ही एपी का था, सवाल ही मिडिल टर्म का था ना, तो हमने मिडिल टर्म निकाल लिया इस तरीके से, तो मिनिमम वैल्यू दो ही आएगी, कोई वैल्यू रख के देख लीजिए इसके अंदर, दुनिया की कोई वैल्यू रख लीजिए, मिनिमम दो ही आएगी, दो से नीचे नहीं जाने का, वन नहीं आने की, जीरो नहीं आने की, ठीक है। चलिए और सवाल कराते हैं, तो पहला सवाल था जिसमें एन जो है ओड है, तो मैंने बताया डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, मिडिल टर्म की वैल्यू को जीरो के बराबर रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको एम कहिएगा, और एफ एम की वैल्यू निकाल लीजिए, एफ टू पर जो वैल्यू आएगी वो रेंज होगी, वेरी क्लियर।